मैं सोचता हूँ जिसके जीवन में दोनों नहीं है, ना प्रेयर है ना वचन है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो तो उस खराब, वो जो कचरे में पड़ी होती गाड़ी है ना, वो उसका जीवन उसके समान है जिसके जीवन में प्रेयर नहीं है, वचन है। सच्ची कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? मैंने कल आत्मा में एक चीज अनुभव की, बहुत मैं वचन पढ़ तो रहा पर इतना नहीं पढ़ रहा था। कल मैंने कम से कम 4-4.5 घंटे वचन पढ़ा, और जितना वचन मैंने पढ़ा प्रार्थना में उतना ही मेरा मन स्ट्रांग लगा। मैंने कहा, क्योंकि जैसे जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी जो गाड़ी चलाते, चाहे बाइक है, मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, उसमें डीजल पेट्रोल डलता है, और साथ में एक इंडियन ऑयल जिसे हम क्या बोलते हैं, मोगलैन, क्या बोलते हैं, मोगलैन ऑयल। अगर वो मोगलैन ऑयल नहीं डालेंगे तो जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, जो कार है, वो गर्म हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? इसलिए जो मोगलाइन है, वो ऑयल है जो उसे ठंडा रखता इंजन को, क्या रखता बोलो, इंजन को क्या रखता, वो ठंडा रखता है। उसी तरह से अगर हम खाली प्रेयर करेंगे, बोलो क्या करेंगे, खाली प्रेयर करेंगे और वचन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। बोलो क्या, दोनों चीजें जरूरी है। क्यों? जिनके पास हम अपनी बाइक मोटरसाइकिल कार को लेकर जाते हैं सर्विस के लिए, वो क्यों कहते हैं कि अगर टाइम से सर्विस कराओगे इसकी तो ये लंबा चलेगी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा फिर आपका बाइक मोटरसाइकिल कार लंबा चलेगी, सालों चलेगी, अगर नहीं कराओगे तो फिर वो क्या हो जाएगी। उसी तरह से एक बाइक की तरह, एक कार की तरह हमारा जीवन है। बोलो क्या, हमारा जीवन एक बाइक, एक कार की तरह हमारा जीवन है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें बड़ी जरूरी है। अगर हम खाली प्रेयर कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने कल जब 4-4.5 घंटे वचन पढ़ा तो मैंने ये चीज आत्मा में अनुभव की कि मेरा मन प्रार्थना में शब्दों में ज्यादा लगा। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप भी कर देखो। दाऊद कहता, चखो तो देखो यहोवा क्या है, भला है कि बुरा है। कहता है, चखो तो देखो यहोवा क्या है, तुम करके देखो। मैं ये चीज आपको क्यों आज बता रहा हूं, अगर आप करते नहीं हो तो करके देखो। देखो फिर हमारे जीवन में होने वाला क्या है, देखना। क्योंकि मैंने ये चीज अनुभव की। कई बार हम सोचते रहते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, जो चीज करने वाली वो कर नहीं रही। बोलो क्या है, वो चीज जो चीज करने वाली वो कर। और ये स्टार्ट है, अब सर्दी निकल गई है, आत्मा में स्ट्रांग हो जाओ। ये 2-3 हफ्ते में बहुत, ये इस हफ्ते नेक्स्ट संडे प्रभु भोज की मीटिंग है, और साथ में फिर हम रेगुलर प्रेयर रखेंगे। पहले 1 हफ्ते की रखेंगे, फिर आपको संडे बताएंगे क्या प्रोग्राम है। पहले वीक, बोलो क्या है, फरवरी के पहले वीक हम कंटिन्यू पूरा महीना प्रेयर रखेंगे और आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे रखनी। पर पहले हफ्ते हम लगातार मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रेयर रखेंगे। देखना तुम कितना गर्म होगे, देखना आपके रास्ते कैसे खुलेंगे, कैसे ब्लेसिंग्स आती, कैसे हालातों से आप छूटोगे। तो चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़े जरूरी है। मैं सोचता हूं जिसके जीवन में दोनों नहीं है, ना प्रेयर है ना वचन है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो तो उस खराब, वो जो कचरे में पड़ी होती गाड़ी है ना, वो उसका जीवन उसके समान है जिसके जीवन में प्रेयर नहीं है, वचन नहीं। मैं सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि जो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, जहाज गड़ गए ना, वो वहां पे सारी गाड़ियां चले जाती हैं, फिर वो
वो कोने में कचरे के ढेर में लगा देते हैं, जिसमें एक दिन लोग आनंद से जा रहे थे अपनी बाइक में, कार से, मजे से, एक दिन वही कचरे के ढेर में लग जाएंगे। उसी तरह से हमारा जीवन है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो कचरे के समान, मतलब समझ रहे मेरी बात, तो वो बेकार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। जिस बात के लिए खुदा ने आपको बुलाया ऊंचा होने के लिए, वो बस आप फायदा नहीं ले पाओगे ज्यादा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो कितने तैयार हैं? दौड़ने वाली गाड़ी बनने वाले चाहते हो कि कचरे के ढेर वाली? कौन सी गाड़ी बनना चाहते हो? कचरे के ढेर में जो चले जाएगी कि जो दौड़ेगी? दौड़ने वाली बनना चाहती हूँ। तो आज से अपनी प्रार्थना वचन दोनों स्टार्ट